आज हमारे टॉपिक होगी अपवर्तनांग। तो बेटा अपवर्तनांग जैसा कि हमारे अपवर्तन वाले पार्ट में है, अपवर्तनांग हम क्यों पढ़ते हैं, अपवर्तनांग के क्या चीजें हैं, ये सब हमको देखना है। तो आपको हम दिखा रहे हैं, बढ़िया से देखिएगा। अपवर्तनांग बेटा बना है दो वर्डों से मिलकर के। अपवर्तनांग किसे बना है? दो वर्डों से मिलकर के। अगर आपको बताएं वो दो वर्ड कौन कौन है बेटा, आप बता दो खुद जरा। तो बहुत अच्छे बेटा, आप सब जानते हो अपवर्तन प्लस अंग से क्या बन गया है, अपवर्तनांग। बहुत बढ़िया सीख रहे हो। अब देखो बेटा, यानी कि बोलेगा कोई अपवर्तनांग क्या है, तो हम पढ़ा में बोलेंगे अपवर्तनांग की प्रकार का अंक है। क्या है? अपवर्तनांग की प्रकार का अंक है। चौड़ी का बेटा, अब जानते हो इस वाले पाठ में दो माध्यम सर आएंगे। एक जानते हो माध्यम दो होते हैं, एक होता है बेटा हमारा सघन माध्यम, क्या होता है बोलिए, और एक क्या होगा बता सकते हैं क्या? सघन माध्यम और विरल माध्यम। अब बेटा हम इनके परिभाषा में थोड़ा और बढ़िया से बोलते हैं। अपवर्तनांग एक प्रकार का ऐसा अंग है जिसकी सहायता से हम माध्यम के सघनता और विरलता को जान पाते हैं। समझना बात को, अपवर्तनांग एक प्रकार का ऐसा अंग है जिसकी सहायता से हम माध्यम सघन है कि विरल है हमें जान पाते हैं। समझिए ना। तो बेटा परिभाषा मान लो कोई बोलेगा लिखने के लिए, तो किताबी ज्ञान से थोड़ा दूर रहिएगा, किताब भी यही बोलेगा, लैंग्वेज का थोड़ा अलग होता है। तो हमने क्या बोला, अपवर्तनांग एक प्रकार का ऐसा अंक होता है जिसकी सहायता से हमको माध्यम की सघनता विरलता का पता चलता है। अब देखो बेटा, जैसे मान लिया कोई कहा कि हमारे पास दो अपवर्तनांग हैं, कोई मान लिया क्या हमारे पास दो अपवर्तनांग हैं, एक माध्यम का अपवर्तनांग 4 है और एक माध्यम का अपवर्तनांग बेटा 5 है। हमने क्या बोला, एक माध्यम का अपवर्तनांग 4 है और अगले का बेटा क्या बोलिए 5 है। मतलब कि बोलेंगे बताओ दोनों में से कौन सघन माध्यम है, तो जोर से बोलो कौन सा होगा, अपवर्तनांग जिसका ज्यादा होगा वह ज्यादा सघन होगा। सघन माने क्या होता है कि वहां पे कणों की भीड़ ज्यादा होगी, उस वाले मतलब कि माध्यम में कण काफी क्या होंगे, ये होता है सघन बेटा। हो गया ना जी। अब जानते हो हमारे मतलब अपवर्तनांग की अंक है, इसका कोई मात्रक होता ही नहीं है। अपवर्तनांग का बेटा कोई मात्रक होता ही नहीं है। कोई बोलेगा अपवर्तनांग का मात्रक तो बोला सह, तो मात्रक ही क्या है, मात्रक ही। चलो बढ़िया बेटा। अब बेटा आपके पास आएगा टेंथ के सिलेबस के लिए अपवर्तनांग का एक फार्मूला आएगा। और जानते हो अपवर्तनांग, अपवर्तनांग को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू। ये देखो यू से निकाल दोगे बन जाएगा म्यू, क्या बन जाएगा म्यू। ये देखो इसे म्यू बोलते हैं, या किताब वाले स्मॉल एन का भी बेटा यूज करते हैं जी, या हम बोलेंगे म्यू या फिर क्या बोलेंगे स्मॉल एन का यूज कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ था बेटा नहीं ना। और देखो यहाँ पे तो बोला यहाँ पे म्यू बराबर सी अपॉन वी, ये फार्मूला ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है जी। अपवर्तनांग की तुलना, अपवर्तनांग की तुलना जानते हो मतलब कि निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग से की गई है। अपवर्तनांग की तुलना ये क्या है, सी क्या है बेटा, निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में प्रकाश की क्या है बेटा, ये 4। और बेटा वी क्या है बोलिएगा, माध्यम में प्रकाश की 4। बहुत टॉप पड़ रहा है, माध्यम में प्रकाश की 4, ठीक है जी। तो कोई बोलेगा म्यू मतलब की बराबर क्या होता है, तो बोलना बेटा निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल को माध्यम का अपवर्तनांग कहते हैं। क्या है बेटा, बन जाएगा माध्यम का अपवर्तनांग, माध्यम का बेटा क्या बन जाएगा, अपवर्तनांग। बेटा यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, बहुत अच्छे से पढ़िएगा ताकि एग्जाम में हम कहीं से कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमने आपसे बोला सर, हमने आपसे बोला कि जो भी अपवर्तनांग होता है वह निर्वात या प्रकाश, निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात क्या होता है बेटा, ये बराबर होता है। तो कर लोगे ना जी। और चलो यहाँ से हम कुछ सवाल लगाएंगे, इनको समझे क्या बोल रहे बेटा ये। तो देखो बेटा, क्योंकि अपवर्तनांग माध्यम का अपवर्तनांग म्यू बराबर क्या हो गया, सी बाई वी हो, ठीक है जी। अब देखना ध्यान से, मान लो कोई कहता है कि अगर म्यू का मान मान लो 5 है, तो बोलेगा इसका मतलब क्या हुआ, पहले जानिए आप।
अगर मान लो म्यू का मान 5 है तो लोग बोलेंगे आपके इसका मतलब क्या हुआ, तो पूछ लेंगे तो श्रीमान पिटा जाओगे जी, यहाँ देख लोगे तो थोड़ा बढ़िया रहेगा, पूछ लेंगे तो नुकसान हो जाएगा ना, तो वही है। तो बढ़िया से देखो, हमने क्या बोला म्यू बराबर क्या लिखा है, सी बाई बी लिखा है सर। तो हमने बोला कि मान लो म्यू का मान 5 लिखा है तो इसका क्या मतलब है, इस कथन का क्या आशय है ना जी। यहाँ रख के देखो बेटा, 5 बराबर क्या हो जाएगा बोलो, सी बाई बी बेटा ही हो जाएगा, बी बराबर क्या, सी बाई फाइव बेटा बताओ, बी क्या है माध्यमिक प्रकाश का चार, माध्यमिक प्रकाश की चार, और एक सी क्या है निर्वात्मक प्रकाश का चार। तो हम क्या बोलेंगे, अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक 5 है, इसका एक मतलब है कि माध्यम में प्रकाश का वेग वाई में प्रकाश के वेग का मतलब कि 1/5 गुना, 1/5 यानी कि बेटा 5 गुना है तो बोलो कम, क्या बोलोगे 5 गुना क्या है कम। देखो बेटा सी का मान क्या होता है, 3.0 × 10^8 अपन बेटा 5 लग जाएगा, पूरा भाग करोगे 6×10^7 आएगा, ये 5 गुना कम नहीं हो गया। तो बेटा अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक 5 है तो बोलना कि माध्यम में जो प्रकाश का वेग है वह निर्वात में प्रकाश के वेग से 5 गुना क्या है कम है, 5 गुना क्या है कम है। अब देखो बेटा आगे सुनना मेरी बात को, मान लो कोई कहता है कि आपके माध्यम का अपवर्तनांक 8 है, माध्यम का अपवर्तनांक बेटा क्या है 8 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि माध्यम में प्रकाश का वेग निर्वात में प्रकाश के वेग से 8 गुना क्या हो जाएगा। तो जब भी अपवर्तनांक रखा होगा यहाँ फार्मूले पे रखना निकल जाएगा, बोलोगे ना हमको यही जानना है सर कि अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक एक ऐसा अंक है जो हमको मतलब कि माध्यम के सघनता या विरलता की पहचान कराता है, और इसको बेटा हमने मतलब कि रिस्पेक्ट में लिया है किससे, प्रकाश के वेग से निर्वात में होगे। तो हमने क्या बोला, अगर माध्यम का अपवर्तनांक 10 है तो हम बोलेंगे कि माध्यम में प्रकाश का वेग निर्वात या वायु में प्रकाश के वेग से क्या 10 गुना कम है। अगर मान लो अपने पे पकड़ो प्रकाश को छोड़ दो, जैसे मत मान लो प्रकाश यहाँ मान लो तुम दौड़ रहे हो हवा में 10 m/s के वेग से, हवा में आप दौड़ रहे हो 10 m/s के वेग से, और ऐसे माध्यम में चले गए जहां का अपवर्तनांक 10 है तो बोलो आपका वेग क्या हो जाएगा, 10 गुना कम हो जाएगा। तो 10/10 कर दोगे क्या आएगा, 1 आ जाएगा नहीं, तो 10 वाले अपवर्तनांक में बेटा आपका वेग क्या हो जाएगा 1 m/s, उतने गुना कम हो जाएगा नहीं, जितना जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा प्रकाश का वेग उतना ही घट जाएगा। वेग क्यों घट रहा है, क्योंकि सघनता बढ़ जा रही है, अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा सघनता क्या हो जाएगी। अरे भाई अपवर्तनांक 5 वाला कम सघन होगा और 10 वाला क्या होगा अधिक सघन होगा, अपवर्तनांक 5 वाले का स्टेटमेंट क्या है कि मतलब कि जो माध्यम में प्रकाश का वेग है वह निर्वात या वायु प्रकाश के वेग से 5 गुना कम है, इसका मतलब क्या 10 गुना कम है, 10 गुना कम क्यों हो गया, क्योंकि माध्यम और सघन हो गया होगा, जो जितना सघन माध्यम का होगा वहां पे बेटा उतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इस समझ में आ गया हमको ना बेटा। अब देखो आगे यहाँ पे क्या बताया गया है, ये तो हो गया हमारा, अब इसी में अगर आगे आया जाए तो बेटा इधर देखो, एक आएगा आपके पास बेटा सापेक्ष अपवर्तनांक, क्या है निरपेक्ष होता है, यहाँ पे किताब में आपके क्या बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक जानते हो क्या होता है बेटा, निरपेक्ष अपवर्तनांक जानते हो मतलब कि ये दोनों क्या है बोलो, माध्यम ही तो है, यह एयर का माध्यम है और किसी और का माध्यम है ना जी। तो बेटा निरपेक्ष अपवर्तनांक जो म्यू होता है वह क्या है, एयर में प्रकाश का वेग यही म्यू है, यही निरपेक्ष है। देखो भाई कभी कभी बेटा सी का अरे म्यू का मान जब सवाल लगाओगे तो ऊपर तेल का बढ़ाना पड़ेगा नीचे पानी का, तब निरपेक्ष नहीं कह रहा है, अपवर्तनांक वहां भी निकलेगा माध्यम के हिसाब से, लेकिन मैं बेटा स्पेशली ऊपर मतलब कि प्रकाश का ही मतलब कि ऊपर निर्वात का ही माध्यम रहे और नीचे कोई और माध्यम रहे तो यही म्यू है ना बेटा, वही क्या कहलाएगा बोलो, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर कोई बोलेगा निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं तो बोलना निर्वात या वायु में प्रकाश के वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या बोलोगे, बोलोगे सर निर्वात या वायु प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग को क्या बोलेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक बेटा होगी। अच्छा मान लो एक बात और जान लो, कोई बोलेगा बोलो एयर का अपवर्तनांक क्या होगा,
एयर का अपवर्तनांक, हवा का अपवर्तनांक, समझ रहे ना मेरी बात। हवा का अपवर्तनांक बोलो, अपवर्तनांक का बेटा फार्मूला क्या पढ़े, हवा के प्रकाश का भी कन्फर्म है और माध्यम किसकी बात कर रहे हैं, हवा की बात भी कर रहे हैं, माध्यम भी हवा ही है, न्यू का मान क्या है बोलो बच्चा, एक आएगा। और जान लो हवा ही ऐसा एक माध्यम है जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, हवा या निर्वात ही बेटा, हालांकि हवा का एक, अरे हवा का 1.0001 होता है, निर्वात केवल एक होता है, तो मतलब दोनों में अंतर नहीं होता है। तो हमने क्या बोला, यानी कि प्रकाश सबसे ज्यादा तेज कहां पर चलेगा, हवा या निर्वात में, क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे कम है और अपवर्तनांक का मान एक से बड़ा होगा, समझ गए। अपवर्तनांक का मान बेटा क्या कहोगे हम लोग यहाँ पे, एक से या तो बड़ा होगा या एक क्या होगा, बराबर। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अपवर्तनांक का मान कहां से कहां तक हो सकता है, तो बोलना सर अपवर्तनांक का मान या तो एक से बड़ा होगा या एक के क्या होगा बेटा, बराबर। समझ गया ना, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं ना, ये हो गया निर्देश अपवर्तनांक समझ में आ गया, हवा का एक होता है अभी हमको समझ में आ गया, इतनी कहानी खत्म बेटा, आगे बढ़ते हैं।